समाज में समाज के लोगों की बुरी बातें हम रोज़मर्रा ही सुनते हैं। ऐसी खबरें रोज़ कहीं ना कहीं प्रकाशित भी होती है, लेकिन समाज के लिए, समाज की अच्छाई के लिए जो लोग काम करते हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बता देना, या यूँ कहे तो दर्शकों को समाज सेवियों के अच्छे काम के बारे में अवगत कराना भी हमारा फर्ज बनता है। ऐसे भी कई सारे समाज सेवक मुंबई शहर में कार्यरत है जो आज भी अपने जेब से पैसा रुपया खर्चा कर समाज के दीन दलितों की मदद करते हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की ख्वाहिश रहती है। ऐसा ही एक दाम्पत्य है, चुनाभट्टी परिसर में रहने वाला डॉक्टर निकम दाम्पत्य, जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को, जिनको मदद की आवश्यकता है, उनको दान देते हैं। दरअसल डॉक्टर सुरेश निकम का जन्मदिन था, जो उन्होंने हर्षोल्लास के साथ न मनाते हुए इस जन्मदिन के मौके पर जो मेरा रुपया खर्च होने वाला है वो मैं गरीबों के लिए किस तरह से उपयोग में ला सकूं, इसे ध्यान में रखते हुए एक छोटे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रभाग समिति के अध्यक्ष सुषम सावंत, प्रसन्न ठाकरे, नगर सेवक फुलवारिया और कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। निकम प्रतिष्ठान की ओर से आज उनका, निकम जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्होंने जो बेवा महिला है, जो विधवा महिला है, जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके जन्मदिन के अवसर पर अलग ऐसा एक उपक्रम उन्होंने यहाँ पर शुरू किया है और आज विधवा महिलाओं को उन्होंने खास करके अनाज बांटा है। तो हम उनसे जानेंगे कि आज इतनी बड़ी उपलब्धि पे वो ऐसा एक काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे वो? निकम जी क्या कहना चाहेंगे, आज काफ़ी बेवा महिलाएं हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, आप ऐसे लोगों के बीच में कुछ ना कुछ काम करते आए हैं, काफ़ी लोग प्रिय रह चुके हैं आप इस चुनाभट्टी एरिया में, हर जगह में काफ़ी लोग आपको चाहते हैं, क्या ऐसी बात है जो आपको लोग इतना ये करते हैं? देखिए, एक्चुअली मेरा जन्मदिन होने के बावजूद मुझे मेरा जन्मदिन के तौर पे नहीं मनाना था, मैंने कोई केक नहीं काटा हुआ है और जो भी अभी शिव वंदना पे नृत्याविष्कार भी हुआ है वो लोगों ने मेरे लिए एक सरप्राइज टाइप का ऐसा कुछ तो अरेंजमेंट किया था। मेरा जन्मदिन ऐसे ही तरीके से मनाया जाता है हर बार कि लोगों को मेरी तरफ से कुछ ना कुछ मदद हो और यह मदद मैं हर बार हर कोई ना कोई मायने में करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो 105 जो स्टूडेंट्स होते हैं हर साल 10वीं और 12वीं के, उनको मैं हर बार 5,000 रुपया मेरी तरफ से देता हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं गुरुजन जो होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको हर बार कोई ना कोई वस्तु या कोई ना कोई ये दे के उनको मैं सम्मान देता हूँ। ऐसे बहुत सारे मेडिकल कैंप्स हैं, ऐसे बहुत सारे तीर्थयात्रा के वगैरह हम लोग आयोजन करते हैं और ऐसे ही कोई ना कोई उपक्रम हम लोग करते हैं। तो ये सारा जो उपक्रम है वो लोगों तक पहुँचाना, लोगों तक सुविधा पहुँचाना, लोगों तक कुछ ना कुछ मदद पहुंचाना, ये हमारा मकसद इसलिए है क्योंकि अगर समाज से हमने कुछ लिया है तो समाज के हम लोग कुछ ना कुछ हमने समाज को देना चाहिए और इसी बेसिस से हम लोग ये सारे उपक्रम करते हैं। निकम जी, देखा जाता है जिस तरीके से कुरेशी नगर काफ़ी एक स्लम एरिया माना जाता है, वहाँ पर काफ़ी मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और ऐसे लोगों के बीच में आपने जाकर वहाँ पे विजिट किया हुआ है, वहाँ पर के लोगों को आपसे बातें की है, वहाँ के लोगों की परेशानी आपने सुनी है, जानी है, तो क्या करना चाहेंगे आप और उनके लिए और आगे क्या करना चाहेंगे? कुरेशी नगर एक निग्लेक्टेड एरिया माना जाता है। जो भी नगर सेवक यूजुअली बनता है वो चुनाभट्टी के इसी तरफ का बनता है और वहाँ से वोट्स ना मिलने के कारण वहाँ पर जाना वो पसंद नहीं करता और वहाँ पर काम करना भी वो पसंद नहीं करता, जो कि सरासर गलत है। जो नगर सेवक होता है वो पूरे विभाग का होता है, उसने हर जगह जाके उसका काम करना चाहिए और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम लोग चुनाभट्टी और कुरेशी नगर दोनों की तरफ बराबर से ध्यान रख रहे हैं और हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने हमें वैसे ही ये भी दी है, मार्गदर्शन भी किया है कि सब जगह आपका ध्यान होना चाहिए। और आप देखोगे आज बहुत सारी बहिनी भगिनी समाज वगैरह पूरा कुरेशी नगर से भी आया हुआ है, यहाँ से भी आया हुआ है और कुरेशी नगर में सफाई की और इस अस्पताल की बहुत बड़ी समस्या है जिसको मद्देनज़र रखते हुए आज ही हमने DMC डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर है उनसे मीटिंग किया है और वहाँ पर 7 मंजिला एक अस्पताल शुरू करने की एक मांग उनसे की और उन्होंने वो मंजूर भी की। डॉक्टर राजेंद्र निकम ये भारतीय जनता पार्टी के कुरला चुनाभट्टी विभाग के एक नेता है। आज उनके इस जन्मदिन के अवसर पर यहाँ उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है अनाथ महिलाओं को अनाज बांटने का, उसके लिए सबसे प्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। मैं सबसे पहले उनको उनके जन्मदिन पे उनको शुभेच्छा देना चाहूँगी कि आज उनका जन्मदिन है और मैं चाहूँगी कि आज जैसा ही हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम हमेशा इसी तरह सेलिब्रेट करते रहे। उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि हमेशा वो लोगों को हेल्प करते हैं, तो आज के दिन हमने ये डिसाइड किया कि हम
विधवा औरतें जो होती है जिनके बच्चे उनको ध्यान नहीं देते, जिनके जिनका कोई सहारा नहीं होता है, आज के उनके जन्मदिन पे हमने विधवा औरतों को अनाज बांटा है। और मैं चाहूँगी कि हर साल हम उनका जन्मदिन इसी तरह और जिससे उनको खुशी मिले इस तरह हम सेलिब्रेट करें। एक तो पहले तो मैं निकम जी को, डॉक्टर निकम जी को उनके जन्मदिन के मौके पे मुबारकबाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस मौके पे लोग अपने जन्मदिन पर कोई पार्टियां करते हैं, कोई होर्डिंग्स लगाते हैं, कोई बिरयानी बांटते हैं, कोई खाना परोसता है, लेकिन निकम जी ने सचमुच में कोई जो बस बेसहाय समाज में जो बेसहाय औरतें हैं उनको मदद करने का एक काम किया है। और इस काम में उनका सिर्फ निस्वार्थ समाजकरण दिखता है और इसके लिए मैं कहता हूँ वो एक उच्च शिक्षित है। राजनीति में आज भारतीय राजनीति में उच्च शिक्षित लोगों की या राज्यकर्ताओं की ज़रूरत है, तो लोगों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके पॉलिटिकल करियर में भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, यही मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जैसे निकम जी है जो काफ़ी बीच लोगों के बीच में रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, भाजपा ऐसी पार्टी से वो जुड़े हुए एक अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे समाज सेवक है और समाज सेवक के माध्यम से उभर कर ऊपर आए हुए हैं। तो आज इस अवसर पर काफ़ी लोग यहाँ पर उनके प्यार से यहाँ पर उनके जन्मदिन के लिए वहाँ शामिल हुए थे और काफ़ी लोगों ने उनको आशीर्वाद भी दिया हुआ है कि ऐसे ही लोगों के बीच में वो काम करते रहे, क्योंकि वो आकाश आकांक्षाओं पर खरा उतरे और लोगों के भरोसे पर जो उनके ऊपर जो भरोसा रखा है, जो विश्वास रखा है, वो कहीं ना कहीं पूरा किया जाए। कैमरामैन आशपाक के साथ मैं स्टीवन जॉन, आपका न्यूज़ मुंबई।